बन चुकी है T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन और 2007 से जारी T20 वर्ल्ड कप के खिताब का जो 17 साल का सूखा है वो आखिरकार रोहित शर्मा की कप्तानी में खत्म हो चुका है। फाइनल जीतने के बाद टीम इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने काफी खुलकर बातें की, जहां पर विराट कोहली के क्रिकेट से संन्यास लेने पर रोहित शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी तो खुद के भी संन्यास का ऐलान किया। हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस, राहुल द्रविड़ की विदाई, मुश्किल हालात में किस तरह से उन्होंने टीम को संदेश दिया, कैसे टीम को मोटिवेट किया और आखिर क्यों साउथ अफ्रीका इस फाइनल मैच को हारी, सभी सवालों के रोहित शर्मा ने खुलकर जवाब दिए। वर्ल्ड कप की जीत उनके करियर में कितने मायने रखती है, ये वो सवाल थे जिसके जवाब रोहित शर्मा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देते हुए दिखाई दिए। तो आखिर क्या क्या कहा रोहित शर्मा ने टीम इंडिया की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइनल के बाद, चलिए जल्दी से अपनी रिपोर्ट में मैं आपको बता देता हूं। तो रोहित शर्मा से पहला सवाल जो पूछा गया वो मुश्किल हालात पर पूछा गया कि एक वक्त में साउथ अफ्रीका मैच में पूरी तरह से आगे दिखाई दे रही थी, टीम इंडिया हारती हुई नजर आ रही थी, ऐसे में उन्होंने टीम को किस तरह से मोटिवेट किया और क्या वो वजह थी कि उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। यहां पर रोहित शर्मा ने कहा, मैं आंकड़ों में विश्वास नहीं करता, मैं बस ये जानता हूं कि बड़े मुकाबलों में स्कोर बोर्ड पर बड़ा स्कोर बनाएं और उसे बचाएं। अगर हम हार भी जाते तो भी मैं पहले बल्लेबाजी करने के फैसले को सही मानता। आखिरी 5 ओवरों में बाजी पलट रही थी लेकिन तब मैंने टीम को बस इतना कहा कि ये मौका दोबारा नहीं आएगा, आखिरी गेंद तक हार नहीं मानेंगे। मुझे खुशी है कि मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरे पास ऐसी टीम और ऐसे खिलाड़ी हैं जो जीत के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं। रोहित शर्मा ने बताया कि ये जीत उनके करियर की सबसे यादगार जीत में से एक है और T20 वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है वो बेहद खास इसे कहेंगे, क्योंकि भारत ने जब आखिरी बार 2011 का वर्ल्ड कप जीता था वो उस टीम का हिस्सा भी नहीं थे। यहां पर रोहित शर्मा ने कहा, मैं इस जीत को अपने करियर की सबसे अहम जीत कहूंगा। इतने साल टीम के लिए खेलते हुए रन बनाना और देश के लिए ट्रॉफी जीतना, यही तो आप चाहते हैं, आप बस इसी के लिए खेलते हैं। इसके बाद रोहित शर्मा से सवाल पूछा गया कि विराट कोहली ने अपने T20 करियर से संन्यास का ऐलान कर दिया है, उनके करियर और उनके इस फैसले के वक्त को वो कैसे देखते हैं। यहां पर रोहित शर्मा ने विराट के लिए फैसले को सही बताया। रोहित ने बताया, हर खिलाड़ी को अपने करियर में एक वक्त पर यह फैसला लेना होता है जब वो करियर को अलविदा कहता है। विराट पहले से जानते थे कि वो टूर्नामेंट के बाद क्या करने वाले हैं, वो चैंपियन खिलाड़ी हैं, देश के लिए उनका प्रदर्शन और आंकड़े सब बयां करते हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि फाइनल में उनकी ऐसी पारी आई जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। उनके फैसले के वक्त और करियर पर बेहद खुशी है। सिर्फ विराट कोहली ही नहीं बल्कि टीम इंडिया से बतौर कोच रुखसत ले रहे राहुल द्रविड़ के भी करियर और उनको इस जीत का श्रेय रोहित शर्मा ने दिया। रोहित शर्मा ने कहा कि जैसी मेहनत बतौर कोच राहुल द्रविड़ ने की है वो भी इस वर्ल्ड कप ट्रॉफी की जीत के पूरे हकदार है। राहुल द्रविड़ ने जो भारतीय क्रिकेट के लिए पिछले 20 से 25 साल में किया है वो इस ट्रॉफी और जीत के पूरे हकदार हैं। और उनके कोचिंग करियर के ऐसे पड़ाव पर जब वो टीम से विदा ले रहे हैं, ऐसी जीत का आना खास कहा जा सकता है। उनके लिए पूरी टीम को बेहद खुशी है। राहुल ने पिछले 3 साल में टीम के साथ काफी मेहनत की है, उन्होंने लड़कों की वेवलेंथ को समझा है, उनका इस जीत में बहुत योगदान है। अगले सवाल में रोहित शर्मा से पूछा गया कि उनके मुताबिक आखिर मैच में कौन सा टर्निंग पॉइंट था, आखिर कहां साउथ अफ्रीका जीतती जीतती एकाएक हारती हुई चली गई, आखिर कैसे मैच में बाजी पलटी। यहां पर रोहित शर्मा ने कहा कि दबाव में अपने पर विश्वास बनाए रखना ही भारतीय टीम को जीत दिलाने की सबसे बड़ी वजह रहा। यह सिर्फ आज की नहीं बल्कि बरसों की मेहनत का नतीजा है। इससे पहले कई मौकों पर हमने नजदीक आकर मैच गंवाए हैं, इसीलिए हमें पता था कि दबाव में कुछ भी हो सकता था। साउथ अफ्रीका के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। इस जीत का श्रेय मैं BCCI टीम मैनेजमेंट, कोच और टीम के हर लड़के को देता हूं। अगले सवाल में रोहित शर्मा से उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछा गया लेकिन रोहित शर्मा ने यहां पर मीडिया पर ही उल्टा एक बाउंसर डाल दिया। रोहित शर्मा ने बताया कि वो भी अब T20 इंटरनेशनल करियर को हमेशा के लिए अलविदा कह रहे हैं क्योंकि इस जीत के बाद अब उन्हें नहीं लगता कि इससे बेहतर मौका उनके क्रिकेट करियर में दोबारा कभी आ सकता है जब वो क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट को अलविदा कहेंगे। यहां रोहित ने बताया, ये T20 इंटरनेशनल का मेरा आखिरी मैच था। मैंने भारत के लिए अपने करियर की शुरुआत T20 फॉर्मेट से ही की थी और मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई वक्त हो सकता है अलविदा कहने का। अपनी जिंदगी में मुझे इस जीत और इस वर्ल्ड कप ट्रॉफी का बहुत इंतजार था। मैं बता नहीं सकता कि उस वक्त मेरे जहन में क्या चल रहा था, बस इतना कह सकता हूं कि वो पल मेरे लिए काफी भावुक थे जो मैं ताउम्र याद रखूंगा।